पे बच्चों के साथ आपने शूट किया, कितना एंजॉय किया, इनोसेंस होता है बच्चों के अंदर? हाँ, बच्चों के अंदर इनोसेंस होता है, बच्चों के साथ हमेशा मज़ा आता है। और जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं नो मोर कमज़ोर, ये हर उम्र की लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है। तो बच्चों से हमने शुरुआत की और काफ़ी मज़ा आया। मैं उनके साथ एक पोएम रिसाइट कर रही थी और इट वाज जस्ट वंडरफुल एनर्जी। सारी फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स की स्टोरी आप लोग दिखाने वाले हैं जो कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी मतलब जातियों को सहने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में एक उन्होंने मुकाम बनाया, स्टैंड लिया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी औरतों के लिए? यही कि ये सारी औरतें जो यहाँ पर मौजूद थी वो सभी हम लोगों के लिए एक मिसाल हैं और हम इनसे बहुत प्रेरित हुए। कुछ कुछ कहानियों को सुन के तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी होता है, पर उन्होंने उन संघर्षों का सामना किया और आज अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जी रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी? आपके विचार से वुमेन के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जो अपने लाइफ में वुमेन अचीव करना चाहिए? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने अहमियत का एहसास बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, खासकर औरत के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं उसमें औरत को कभी ये बताया नहीं जाता कि वो वैल्यूबल है। ज़्यादातर मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वुमेन्स डे इतना स्पेशल है, क्योंकि स्पेशली नो मोर कमज़ोर जैसी पहल जो है, पहले तो जागरूकता फैलाता है और उसके अलावा हर औरत को स्पेशल फील कराता है, उसकी अहमियत का एहसास दिलाता है। बट हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। एज अ स्टार वो प्रॉब्लम्स एक दिन में डिसअपियर नहीं होंगी जी। हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत आगे पहुँचे हैं और बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सिट बैक एंड अप्रिशिएट द डिस्टेंस वी ट्रैवल्ड सो फार। एक दूसरे के अचीवमेंट्स को ऑनर करना, अप्रिशिएट करना, सराहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, उनसे बहुत हिम्मत मिलती है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे इन द राइट स्पिरिट। नेशनल, इंटरनेशनल सब टूर आप लोग करते हैं, सबसे बताइए इतना टूर करने के बाद आपने बेसिक चीज़ क्या दिक्कत देखी है जो लड़कियाँ फेस कर? मुझे लगता है कि हमारे देश में, मैं किसी और देश की बात नहीं करूँगी, पर हमारे देश में वैल्यू बहुत कम है ह्यूमन लाइफ की। और अगर वो औरत की ज़िंदगी हो तो और भी कम वैल्यूबल हो जाती है, और इसी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिल्म के बारे में बोलिए, कैसी यू नो फीडबैक क्या मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? सचमुच ये साइड इफेक्ट कुछ इफेक्ट कर गया बहुत? शादी के साइड इफेक्ट्स अच्छी चल रही है, इट्स बिन अ गुड वीकेंड डिस्पाइट द क्रिकेट मैचेस, और सभी को अच्छा लग रहा है। जैसे हमने कहा था सबसे कि आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बाहर निकलेंगे, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बस सब यही कह रहे हैं कि हाँ, बहुत दिल खुश हो गया, लगा कि हम एक दूसरे को पर्दे पर देख रहे हैं, लोगों को हमने मुस्कुराया, इसी से हम बहुत खुश हैं। किसी कपल से कुछ मैसेज किसी से मिला कुछ? नहीं, फिलहाल तो नहीं। विद्या की अगर जिंदगी की बात करें तो नो मोर कमज़ोर, ऐसा कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, जो ये ऐसा इंसिडेंट कोई भी? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं एक्चुअली। आज जिनसे मैं मिली, किसी एक का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, पर इतने स्ट्रॉन्ग अचीवर्स हैं, हर एक की कहानी में कुछ ना कुछ सीख है, और मुझे लगता है कि आई जस्ट फील वेरी हम्बल्ड, इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स, पर वेरी हम्बल्ड। उनके मुकाबले तो लगता है कि हमने जिस तरह की स्ट्रगल्स लाइफ में देखी है कुछ भी नहीं है। मैम, वुमेन डे आ गया है 8 तारीख को, आप किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं अपना वुमेन डे? आई थिंक खास यही होता है कि ऑफ कोर्स एक दूसरे को विश करते हैं। इसके अलावा आई थिंक ये मेरे लिए सबसे खास
वीमेंस डे होगा क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, क्योंकि बाकी तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, पर इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देखेंगे और आई एम श्योर कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ज़िंदगी में इसका पॉजिटिव असर ज़रूर होगा, पॉजिटिव साइड इफेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट वुमेन कौन है, मतलब जिसने सबसे स्पेशल रोल प्ले किया? नीडलेस टू से मेरी माँ मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वुमन है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, तो मेरी दूसरी माँ भी है, मेरी बड़ी बहन प्रिया, और अब एक और जुड़ गई है उसमें, माय लिटिल नीस ईरा। तो टू ऑल ऑफ यू एंड टू माय वंडरफुल मदर इन लॉ एंड टू एवरी सिंगल स्पेशल वुमन ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, वेरी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। फिल्मों में जिस तरह से ड्रिंक दारू वोडका इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, एज एक्ट्रेस क्या कहना चाहेंगे? प्रिया बालन विशिंग Hi, this is Vidya Balan wishing each one of you women out. Sorry, I'll take it again. Hi, this is Vidya Balan wishing all of you a very happy Women's Day. More power to you. Thank you. Thank you. Thank you.